हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एमिशन ऑफ रेडिएशन के बारे में। ये जो क्वेश्चन है वो जनवरी 19 में 4 मार्क्स में पूछा जा चुका है। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। अब एमिशन ऑफ रेडिएशन समझने से पहले हम पिछले वीडियो का थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था एब्सॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। एब्सॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन में हमने क्या देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल पे होते हैं या बोल लो ग्राउंड एनर्जी लेवल पे होते हैं, वो क्या करेंगे, वो लाइट एनर्जी का एब्सॉर्ब करेंगे, यानी कि फोटोन अगर हम उसे देंगे तो वो एब्सॉर्ब कर लेंगे। एब्सॉर्ब होने के बाद एक्साइट हो जाएंगे और लोअर एनर्जी लेवल पे से हायर एनर्जी लेवल पर जंप कर जाएंगे। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है और लोअर से हायर एनर्जी लेवल पे जा रहा है, जिसे हम एब्सॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन बोलते थे। ठीक है, अब यहां पे हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो हमारी ग्राउंड एनर्जी लेवल है उसके पास कुछ एनर्जी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, कुछ एनर्जी है ही नहीं ग्राउंड एनर्जी लेवल में, ऐसा अज्यूम कर रहे हैं समझने के लिए। अच्छा, अब ये जो हमारी हायर एनर्जी लेवल है उसके पास सपोज करते हैं 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो हमारा ग्राउंड लेवल है उसके पास कितनी एनर्जी है? 0 एनर्जी, यानी कि ये एनर्जी लेवल पे जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसके पास 0 एनर्जी होगी। अगर ये इलेक्ट्रॉन को 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसे कुछ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एब्सॉर्ब करनी पड़ेगी, तब जाके इलेक्ट्रॉन के पास अब 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ चुकी है। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला एनर्जी 0 एनर्जी लेवल पे नहीं रह सकता, तो जंप करके 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे चला जाएगा। ठीक है, अब यहां तक की कहानी हमें पता है, यानी अभी हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कहां पे है, हायर एनर्जी लेवल पे है रेडिएशन का एब्सॉर्ब करने के बाद, और हायर एनर्जी लेवल पे ये इलेक्ट्रॉन के पास कुछ एनर्जी है जो के रेडिएशन ने से दी है या फोटोन ने से दी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। ठीक, अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन कभी भी हायर एनर्जी लेवल पे स्टेबल नहीं रह सकते, वो हमेशा लोअर एनर्जी लेवल पे आने की कोशिश करेंगे। यानी इलेक्ट्रॉन यहां तो पहुंच गया है लेकिन अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल पे आने की कोशिश करेगा, क्यों, हायर एनर्जी लेवल पे ये स्टेबल नहीं रहेगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन को हायर टू लोअर एनर्जी लेवल पे आना है तो क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को ये जो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी ये फोटोन ने दी थी उसे क्या करना पड़ेगा, उसे रिलीज करानी पड़ेगी। अगर इलेक्ट्रॉन ने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज करी, यानी इलेक्ट्रॉन ने एक फोटोन रिलीज किया जो एब्सॉर्ब किया था पहले 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो ये अगर फोटोन इसने एमिट कर दिया तब जाके अब इलेक्ट्रॉन के पास 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो जाएगी, तब ये इलेक्ट्रॉन वापस से ग्राउंड एनर्जी लेवल पे आ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज मैंने यहां पे बना के रखी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां पे था बराबर, अब इलेक्ट्रॉन यहां पे स्टेबल नहीं रह पाएगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, इतनी एनर्जी जो कि फोटोन ने दी थी यानी कि एक फोटोन एमिट करना पड़ेगा, अब इलेक्ट्रॉन के पास 0 एनर्जी हो गई जिससे करके ये लोअर एनर्जी लेवल पे फॉल बैक कर जाएगा। तो ये जो फिनोमिना है कौन सी, कि हायर एनर्जी लेवल पे से कुछ फोटोन एमिट कर दो और लोअर एनर्जी लेवल पे आ जाओ, तो ये जो फोटोन एमिट करने की फिनोमिना है उसे हम बोलते हैं एमिशन ऑफ रेडिएशन। एमिशन ऑफ रेडिएशन है उसके दो टाइप्स है, पहला मैंने यहां लिखा है स्पॉन्टेनियस एमिशन और दूसरा है स्टिम्युलेटेड एमिशन। अब स्पॉन्टेनियस एमिशन यानी क्या, यानी कि नेचुरली बाय ओन, यानी कि खुद से हो रही है वो प्रोसेस, कोई भी फोर्स लगा के हम नहीं कर रहे। कौन सी प्रोसेस खुद से हो रही है, यही प्रोसेस कि जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पे है तब खुद से ही अपने आप से वो एक फोटॉन जो दिया था एक फोटॉन एमिट कर देगा, खुद से ही नेचुरली वो एमिट कर देगा और लोअर एनर्जी लेवल यानी ग्राउंड एनर्जी लेवल पे आ जाएगा। तो ऐसी इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस एमिशन बोलेंगे। उसका डेफिनेशन यहां पे देख लेते हैं, व्हेन नेचुरली इलेक्ट्रॉन फॉल बैक फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू ग्राउंड लेवल, नेचुरली इलेक्ट्रॉन फॉल बैक फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू ग्राउंड लेवल बाय एमिटिंग वन फोटॉन इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस एमिशन। और ये स्पॉन्टेनियस एमिशन है वो बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस है क्योंकि वो अपने आप से होता है।
ठीक है। अच्छा दूसरी प्रोसेस देख लेते हैं एमिशन की, जो है स्टिम्यूलेटेड एमिशन। स्टिम्यूलेटेड एमिशन यानी क्या? फोर्सफुली, ठीक है, फोर्सफुल यानी जबरदस्ती हम कर रहे हैं, किसके साथ? इलेक्ट्रॉन के साथ। अभी इलेक्ट्रॉन कहां पे है? हायर एनर्जी लेवल पे है। अपने आप से अगर फोटोन एमिट करके अगर यहां पे पहुंच जाता है तो स्पॉन्टेनियस एमिशन है, लेकिन यहां पे अभी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और हम क्या कर रहे हैं, इस पे एक फोर्स लगा रहे हैं इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी जब इलेक्ट्रॉन यहां पे है तब हम क्या करेंगे, इसको हम देंगे फोटोन एनर्जी, देंगे किसके बराबर? एच न्यू के बराबर। जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पे होगा तब हम उसे फोटोन देंगे यानी एनर्जी देंगे, ठीक है। ये एनर्जी देने के बाद अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फोर्सफुली ग्राउंड एनर्जी लेवल पे चला जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यहां पे एक्चुअली क्या होगा वो देख लेते हैं। पहले ये इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी थी? 5 इलेक्ट्रॉन के वोल्ट के बराबर थी, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन यहां पे प्रेजेंट है जिसके पास एक फोटोन जितनी एनर्जी है, एक फोटोन जितनी, यहां लिख लेता हूं 1 फोटोन जितनी एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के पास अभी, ठीक है। अब यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है उस पे और हम फोटोन दे रहे हैं यानी एक और फोटोन लगा रहे हैं, यानी प्लस और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा रहे हैं, यानी दूसरा फोटोन भी हम दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि अब इसके पास कितनी हो गई, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी हो गई ये इलेक्ट्रॉन के पास, और ये एनर्जी लेवल के पास कितनी एनर्जी थी? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थी, ठीक है। यानी अब इलेक्ट्रॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो गई है और ये एनर्जी लेवल के पास एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। यानी अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी कम है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन सारी की सारी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी क्या कर देगा, एमिट कर देगा। यानी यहां पे ये 2 फोटोन को एमिट करेगा, कौन से? ये वाला फोटोन जो इंसिडेंट फोटोन है जो हमने दिया था, और ये वाला फोटोन जो इसने एब्सॉर्ब करके रखा था। तो 2 फोटोन को वो एमिट करेगा और बाद में उसकी एनर्जी जीरो हो जाएगी और ग्राउंड लेवल पे आ जाएगा। तो यही डायग्राम यहां पे बना के रखा है, क्या यहां पे जब इलेक्ट्रॉन था तब हमने क्या किया, उसको फोटोन, एक और फोटोन दिया हायर एनर्जी लेवल पे। तो क्या लिखा है यहां पे, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन, यहां पे था इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग 2 फोटॉन्स, रिलीजिंग ये 1 ये 2 फोटॉन्स ड्यूरिंग ट्रांजिशन। ट्रांजिशन यानी क्या, एक एनर्जी लेवल पे से दूसरे एनर्जी लेवल पे आना। कौन से 2 फोटॉन वो एमिट करने वाला है, ये तो एक जो हमने इंसिडेंट कराया दिया वो, और दूसरा यहां पे एब्सॉर्ब करके रखा था वो उसने एमिट कर दिया, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है बहुत ही ज्यादा फास्ट प्रोसेस है, ठीक है। क्यों फोर्सफुली हमने की है, इसलिए फास्ट प्रोसेस है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, एट हाई एनर्जी लेवल, एट हाई एनर्जी लेवल व्हेन एनर्जी इज गिवन टू इलेक्ट्रॉन, व्हेन एनर्जी इज गिवन टू इलेक्ट्रॉन इट फॉल्स बैक टू द ग्राउंड एनर्जी लेवल, इट फॉल्स बैक टू द ग्राउंड एनर्जी लेवल बाय एमिटिंग 2 फोटॉन्स, बाय एमिटिंग 2 फोटॉन्स इज कॉल्ड स्टिम्युलेटेड एमिशन। तो यहां तक आपको एग्जाम में लिखना है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।